हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए एक सिंपल सब्जी की रेसिपी लेके आई हूँ जो गर्मी में बहुत ही टेस्टी लगती है बनाकर खाने में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं दही वाली लौकी की सब्जी। ये बिना प्याज लहसुन के बनाई है और प्रेशर कुकर में बना के तैयार की है, तो मिनटों में सब्जी तैयार हो जाती है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि इसमें लहसुन प्याज या कोई भी ग्रेवी मैंने नहीं करी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आपको पसंद आती है तो एक छोटी सा लाइक मुझे ज़रूर दीजिए। तो आइए किचन में चलते हैं और बनाते हैं दही वाली लौकी की सब्जी। हमें चाहिए लौकी, तो लौकी मैंने एक बड़ी ले ली है, इसे पील करके बारीक टुकड़ों में चॉप कर दिया है और इसे इस तरह से पानी में डाल के रख दिया है। फिर मैंने दही लिया है, आधा कप मैंने दही लिया और उसे अच्छे से फेंट लिया है। मैंने घर का बना हुआ दही लिया, बहुत ज़्यादा खट्टा दही नहीं लेना है हमें। उसके बाद मैंने दो टमाटर लिए हैं, उसकी मैंने प्यूरी कर ली है मिक्सर में। हरी मिर्ची ली एक बड़ी, उसे भी मैंने क्रश कर लिया है। हरा धनिया लेना है, जीरा है, राई है, हींग है, नमक हमें स्वाद के अनुसार लेना है, रेड चिली पाउडर लेना है, हल्दी पाउडर लेना है और सब्जी बनाने के लिए हमें कुकिंग ऑयल लेना है। तो सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले प्रेशर कुकर में ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए उसमें राई ऐड कर देंगे। अब जैसे ही राई तड़क जाए उसमें हम जीरा ऐड कर देंगे, साथ ही साथ हम इसमें हींग भी ऐड कर देंगे और साथ में ही हम इसमें इस टाइम पे टमाटर प्यूरी ऐड कर देंगे। ये पकते टाइम इसी में हम ग्रीन चिली भी डाल देंगे, ड्राई मसाला ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। जब मसाला हमारा अच्छी तरह से पक जाए, पूरा ऑयल रिलीज़ हो जाए टमाटर में से, अब इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे दही। हमें अभी हमने नमक नहीं डाला है, नमक डालने से कभी कभी दही फट जाता है सब्जी में, इसलिए दही ऐड कर देंगे पहले। उसके बाद भी ग्रेवी में एक उबाल आने देंगे, इसे सतत इस तरह से चलाते रहना है हमें। अब आप देख सकते हैं दही में उबाल आ चुका है और कितनी अच्छी तरी आ चुकी है। तो अब इस टाइम पे आप नमक ऐड कर सकते हैं क्योंकि हमारे दही ने उबाल ले लिया है, तो अब ये नहीं फटेगा। तो अब मैं नमक डाल दूँगी स्वाद के अनुसार और ग्रेवी में ही मैं थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूँगी, इससे इसका कलर बहुत अच्छा रहेगा और इसकी खुशबू भी अच्छी आती है ग्रेवी की। और इस टाइम पर अब मैं इसमें लौकी ऐड कर दूँगी। अब लौकी मैंने ऐड कर दी है, अगर आपको पानी वाली सब्जी बनाना है तो इस टाइम पर आप पानी डाल सकते हैं वरना लौकी अपना पानी रिलीज़ करेगी। बंद करके और 3 से 4 सीटी ले लूँगी इसे। 4 सीटी मैंने ले ली है और कुकर अब ठंडा भी हो चुका है, तो मैं खोल लेती हूँ कुकर को। तो आप देख सकते हैं हमारी सब्जी बिना लहसुन प्याज की कितनी टेस्टी सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है, देखिए। और लौकी भी हमारी बहुत अच्छे से पक चुकी है, देखिए बहुत ही अच्छे से पक चुकी है लौकी। तो हमारी दही वाली लौकी की सब्जी रेडी है, तो अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। हो गया यार, इसे मैं हरे धनिया की पत्ती से गार्निश कर रही हूँ। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।